इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम शैंक को देखते हैं जो कि अपने रूम में होता है, सो रहा होता है, पर उसे नींद नहीं आ रही होती है। हाँ, सिर्फ आंखें बंद करता है तभी जो है वो अपनी आंखों को खोलता है और मन में सोचता है कि मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, क्या रोहित सो गया होगा। फिर वो जो सोने की कोशिश करता है कभी इधर कभी उधर, तभी जो है शैन का फ़ोन जो है वाइब्रेट होने लग जाता है। जो देख कर जो है शैन फटाफट से उठता है और अपने फ़ोन को देखता है और कहता है कि ओ रोहित का मैसेज। अब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी जो है जो रुई है वो कहते हैं कि क्या तुम सो गए, तो शैन कहता है कि नहीं। तो रुई कहते हैं कि बेबी मैं जो है तुम्हारे गेट के बाहर हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तभी जो है इस पढ़ के जो है शैन अपने रूममेट को देखता है, देखते हैं कि वो सो रहा है, तो वो धीरे धीरे जो है अपने बेड से नीचे उतरता है। हाँ, और धीरे धीरे बिल्कुल आराम आराम से तभी किसी को पता ना चले और वो गेट के पास जाता है, गेट खोलता है, फिर चेंज शिफ्ट होता है। हम जो है पब्लिक बाथरूम देखते हैं जहाँ पे शैन और रुई के बीच की सॉरी होती है। वो शैन कहता है कि तुम यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी जो है जो रुई है वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें कितना मिस करूँ, आज हमारा जो फर्स्ट डे है, जब भी जो है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम मेरे साइड नहीं हो, मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता, मैं तुम्हें हक नहीं कर सकता, हाँ कुछ भी। तभी जो है शैन कहता है लेकिन अगर जो टीचर है पेट्रोलिंग वाली, उन्होंने अगर हमें देख लिया तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो रोहित कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, कुछ भी होगा उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरी होगी। फिर इसके बाद जो है शैन और रोहित के बीच किससे बहुत ही कुछ ज़्यादा होता है उस बाथरूम में। तभी जो है हम वहाँ पर दो परछाई देखते हैं जिसके आने की हमें जो है आवाज़ आ रही होती है। हाँ, और ये जो आवाज़ है शैन जो है वो सुनता है, मन में सोचता है बिल्कुल भी नहीं, नो भी, जो टीचर है पेट्रोलिंग वाली वो आ गए और जहाँ तक वो जो है इसी तरफ आ रहा है। तभी जो है शैन जो है वो फटाफट से जो है रुई का जो मुंह है वो उस पर अपना हाथ रखता है और कहता है कि तुम बिल्कुल भी साउंड मत करना। तभी जो है टीचर कहते हैं कि पहले हम जो है टॉयलेट और बाथरूम को चेक कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम यहाँ से चलेंगे। तो ये सुन के जो है वो दोनों बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और बाथरूम के गेट की तरफ देख रहे होते हैं। तभी जो है वो देखते हैं कि बाथरूम का जो गेट है वो खुल रहा होता है, रुई देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होता है। और ये चीज़ जो है शैन देख कर जो है मन में सोचता है कि अगर जो है ये पेट्रोलिंग वाले टीचर ने हमें पकड़ लिया कि जो दो बॉयज़ हैं वो बाथरूम के अंदर छुपे हुए हैं, तो हम जो है बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे और ये प्रॉब्लम जो है इतनी आसानी से सॉल्व भी नहीं होगी और ना ही हमारे कोई लेटर या सॉरी लिखने से किसी भी चीज़ से ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व नहीं होने वाली। तभी जो है वो लोग बाथरूम का गेट खोलते हैं। तभी जो है सर कहते हैं कि सर ये जो गेट है बाथरूम का वो खुल नहीं रहा है। ये सुन के जो है जो शैन और रुई थोड़ा सा शॉक रहते हैं। तभी हम जो है देखते हैं कि सर कहते हैं कि सही में मैं धक्का दे रहा हूँ, नहीं खोल रहा, ये पूरा ख़राब हो गया। तभी कोई कहता है कि सर एक्चुअली क्या है, हमने इसको देखा था कि नहीं खोल रहा, हमने जो हाउस कीपर को बोला वो कल आके उसे ठीक कर देगा। और रुई ने जो गेट पर अपना पैर रखा होता है तो गेट ख़राब होता है, तो इसलिए जो टीचर है वो वापस वहाँ से चले जाते हैं। तभी जो है टीचर्स के जाने के बाद जो शैन और रोहित है वो दोनों थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं क्योंकि उन्हें कितना डर था। तभी जो है शैन जो है वो रोहित को देखते हुए कहते हैं कि जब भी मैं तुम्हारे साथ होता ना पक्का मुझे ऐसा लगता है कि बस मुझे अभी जो है हार्ट अटैक आ गया है। तभी जो है जो रोहित स्माइल करते हुए नीचे बैठता है और जो है शैन के सर पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम सच्ची में बहुत डर गए। और जो शैन है वो गुस्से में कहता है कि ये सब जो है सब तुम्हारी गलती है जो हम इतनी रात को ऐसे यहाँ पे घूम रहे हैं, समझ आया। तभी जो है रुई कहते हैं कि तुम गुड बॉय हो, ठीक है, अब सब ठीक है। हाँ, और कहते हैं कि थैंक गॉड जो जिसने भी उसने जो है झूठ बोला। तभी जो है शैन कहता है ये सब जो है कि तारी हाउ की वजह से, उसी ने आके जो है हमें बचा लिया। तभी जो है रुई जो है वो शैन को ऐसे कंधों पे हाथ रखता है और कहता है कि ऐसा नहीं है, क्यों, मैंने तुम्हें जल्दी नहीं बचाया, हाँ मैंने भी तो जो है गेट पे गेट को रोक दिया था, अपने भी जाते ना, तो भी जो है मैं झूठ बोल के कुछ ना कुछ करके जो है हम दोनों को बचा ही लेता, ठीक है, तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते। तभी जो है शैन जो है वो रुई को कहता है कि तुम मेरे हिसाब से तो तुम ही हो जिसने जो है सबसे पहले हमेशा प्रॉब्लम जो है क्रिएट करते हो। हाँ, और जो केट एंड हाउ है वो मुझे लगता है कि तुमसे ज़्यादा बेटर होगा बचाने में, हाँ वो तुमसे ज़्यादा ठीक है।
तो ये सुन के जो है रूही बिल्कुल भी खुश नहीं होता और मन में सोचता है कि क्या मतलब है कि जो केतनहाओ है वो मेरे से ज़्यादा अच्छा है। तो जो है रूही को थोड़ा सा गुस्से में होता है, वो शैन को देखता है, मन में सोचता है कि जो केतनहाओ है ना ये मुझे सही पर्सन नहीं लगता, ये बहुत ही अजीब है और मुझे लगता है कि जो है वो जो है शैन के बारे में कुछ अलग ही सोचता है, ये शैन को अलग ही नज़रिए से देखता है, मुझे जो है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मुझे जो है शैन को इस तनहाओ से केतनहाओ से थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। और सीन शिफ्ट होता है, हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे जो है रूही शैन से कहते हैं कि हे तुम जो है पक्का सो रहे हो गए तो तुमने तो ब्रेकफास्ट किया नहीं होगा क्योंकि तुम्हें जो है सोना बहुत ही पसंद है, इसलिए ये लो मैं जो है तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ और वैसे भी मुझे पता ही है और मैं जो है ये ब्रेकफास्ट जो है कैंपस से कैंटीन से लाया, तुम्हें तो पता ही है मुझे जो है बाहर का खाना पसंद नहीं है, जो है वो हाइजीनिक नहीं होता है, इसलिए मैं जो है तुम्हारे लिए कैंटीन से ये लेकर आया। तो ये सुन के जो है शैन जो रूही को देखता मन में सोचता है कि इसका मतलब जब मेरी आँख लग गई थी तब जो है जो रूही है वो फटाफट से जाके मेरे लिए कैंटीन से ये खाना लेने गया था। और तभी जो है रूही बोलता है कि अच्छा बताओ मैं बेस्ट हूँ ना, तभी जो है शैन जो है रूही के लाए हुए ब्रेकफास्ट को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि मैं, तभी जो है वहाँ पर केतनहाओ आ जाता है और सभी को जो है गुड मॉर्निंग बोलता है। तो जो शैन और रूही है वो भी जो है केतनहाओ को जो है गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ऐसे वो एक दूसरे से कहते हैं। फिर तभी जो है केतनहाओ जो है वो लोगों से पूछता है हे अगर तुम कल रात से है बाथरूम में कर क्या रहे थे, ऑलमोस्ट जो है टीचर जो है तुम्हें पकड़ने ही वाली थी। हाँ और वो थोड़ा मतलब ऐसा दिखाता है एक्टिंग थोड़ा खास नहीं उसने की। तभी जो है ये सुन के जो है शैन थोड़ा सा स्माइल करता है तो वो भी जो है रूही शैन के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि थैंक यू कल हमें बचाने के लिए, और रूही जो है शैन को वहाँ चले जाता है और कहता है कि कल रात हम वो कर रहे थे जो हमें पसंद था और सॉरी हम तुम्हें नहीं बता सकते। हाँ और जो है केतनहाओ उन्हें जैसे हाथ दिखाता है पर कुछ बोल नहीं पाता और रूही जो है शैन को वहाँ से लेकर चला जाता है। तभी उनके जाने के बाद जो है केतनहाओ मन में सोचता है कि मैंने सोचा था कि आज जो है फर्स्ट टाइम और सबसे पहले जो है शैन के लिए ब्रेकफास्ट मैं लाऊंगा लेकिन मेरा अलार्म ही नहीं बजा, और रूही जो है वो पहले लाके शैन को ब्रेकफास्ट उसने दे दिया। तभी जो है हम सीन शिफ्ट होते हैं, हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी बच्चे कहते हैं कि क्लास स्टार्ट हो गई है और 5 मिनट एक्स्ट्रा भी हो गए पर टीचर अभी तक क्लास में क्यों नहीं आए। तभी जो है शैन कहता है कि हे ये वो कहाँ है, वो नज़र क्यों नहीं आ रहा, और वैसे अभी टीचर भी क्लास में नहीं है और क्लास स्टार्ट भी हो गई पर वो क्यों नहीं आए क्लास में। तभी जो है केतनहाओ कहता है कि तुम्हें याद नहीं कि जो है एक्सो और उसके फ्रेंडों ने उसको सामान लाने के लिए दिया था उसके बाद वो आया ही कहाँ है अभी तक यहाँ पे। तो ये सुन के जो शैन थोड़ा शॉक होता है और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड है यहीं खत्म होता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल, और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।